चलिए तो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू सॉल्व सोल्व इक्वेशन अलग अलग तरह की ट्रिनोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं कैसी होती हैं ये हम लोगों को बात करनी है तो वो कैसी होगी क्या होगी हम लोग उसकी एक एक करके बात करते हैं ठीक है ना uh, just... स्क्रीन की क्वालिटी पहले वैसे ज्यादा अच्छी थी पहले ज्यादा अच्छी थी ठीक है तो जैसे अगर मैंने आपको सिंपल जैसे कोई फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको देता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाय रूट टू क्या जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा अब इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो सिंपल सी चीज है क्या करना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाय रूट तो इसका मतलब है सबसे पहले कौन सा फॉर्म हो गया जो बताया था ना पे वीडियो में कि थीटा के वाला फॉर्म है तो तो आपको उसको क्या बन लिखना पड़ेगा ऑफ़ अल्फा अल्फा और अल्फा शुड बी प्रिंसिपल प्रिंसिपल वैल्यू वैल्यू एंगल तो बता, का एंगल बताओ का कौन होगा तो जब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होगा तो इसका जनरल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन अल्फा तो यहाँ पे इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन और अल्फा कौन हो गया पाई बाय फोर दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन सिंपल सी इक्वेशन है

सेन वॉट शुड वी डू तब क्या करें हम लोग तो, ना तो माइनस रूट थ्री बाय टू बताओ इसका प्रिंसिपल वैल्यू एंगल क्या हो क्या बताया था कॉसाइन कॉसाइन का प्रिंसिपल वैल्यू एंगल निकालो और अगर नेगेटिव है तो सेकेंड क्वार का एंगल होगा तो माइनस को भूलो रूट थ्री बाई टू कॉस की वैल्यू रूट थ्री बाई टू कब होती है पे तो प्रिंसिपल वैल्यू एंगल हो जाएगा कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बी सिल्वल टू कॉस ऑफ फाइव पाई बाई स जो थ्योरी वीडियोस अगर आप देखोगे तो ही आपको ये सब चीजें यहाँ पे क्लियरिटी आएगी तो इस कारण से जो भी आपको जो भी वीडियोस भेजे जाए उनको हमेशा साथ में जरूर देखते रहें क्लास से पहले उन्हें जरूर देखे उसके नोट्स खुद से जरूर बनाएं ओके okay, तो हमारे पास अब क्वेश्चन हो गया कौन से फॉर्म में कॉस टू थीटा इज इक्व टू कॉस ऑफ फाइव पाल सोल्यूशन कैल इक्व टू एन पाई प्लस माइनस पाई बट द हैज बी फाउंड फॉर वॉट फॉर थीटा फॉर थीटा विल बी बीवस टू एन पाई प्लस माइनस फाइव पाई बाय ट्वेल्व दिस इज द आंसर ट मेथड ऑफ डूंग दिस क्वेश्चन वॉज कॉस टू थीटा माइनस रूट थ्री बाई टू आ गया इसे टू कॉस स्क्टा माइनस वन इक्व टू माइनस रूट थ्री बाई टू लिख सकते थे तो इससे कॉस स्क्वा की वैल्यू जो होती वो आपकी टू माइनस रूट थ्री बाय फोर होती ठीक है इसको आप क्या लिख सकते हो इसको आप ऐसे सिक्सटीन कर दो

प्लस माइनस फाइव पा ट्वेल्व करा तो उससे रिजल्ट तो दोनों का क्या आया सेम ठीक है अब कई जगह क्या होगा कि आपसे जनरल सोल्यूशन पूछेंगे जो ये है कई जगह में मान लीजिए मैं ऐसी क्वेश्चन में आपको क्या बोल दूर फॉर दिस सेम क्वेश्चन इफ आई से फाइंड ऑल द एंगल्स

फिर इसके जीरो से लेके टू पाई के बीच में एंगल निकालने हैं फिर पाई माइनस फाइव पाई तो दैट विल आल्सो गिव है टू पाई अब प्लस पाई, टुल तो टुल पाई से चला गया लेकिन क्वेश्चन बन सकते हैं मल्टीपल ऑप्शन बन सकते हैं ऐसे कई तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं ठीक है

जीरो से टू पाई में कितने सोल्यूशन है तो ये ये करने क्योंकि उसमें क्या पूछ रहे हैं नंबर ऑफ सोल्यूशन नंबर ऑफ सोल्यूशन में देखो क्या होगा थ्रीटा जीरो से टू पाई है तो टू थ्रीटा कहां से कहां तक होगा टू थ्रीटा कहां से कहां तक होगा इफ थ्रीटा इज बिटवीन जीरो टू टू पाई देन वेर व रेंज ऑफ टू थ्रीटा बताओ भाई बाई टू थीटा का रेंज जीरो से टू पाई तो टू थीटा का रेंज कहां से कहां तक जीरो, टू। जीरो से पाई बाई टू कैसे हो जाएगा जीरो टू फोर पाई वेरी गुड जीरो टू फोर पाई होगा हाँ। थीटा जीरो से टू पाई है ना तो टू थीटा को होने के लिए टू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिवाइड थोड़ी करना पड़ेगा yes, sir. तो उस केस में टू थीटा जो हुआ वो कितना हो गया जीरो से लेके फोर पाई अब जैसे देखो की वैल्यू माइनस रूट थ्री टू तो की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू कोई भी लोगे तो बताओ कितने रूट्स आ रहे हैं यहां पे दो कितने में जीरो से टू पाई में से तो जीरो से फोर पाई में नेगेटिव वैल्यू कितनी बार आएगी रिपीट करता ना हर टू पाई के बाद तो कितने दो वैल्यूज ये से टू पाई में आ गए टू पाई से फोर पाइव का ग्राफ और बना दो ऐसे तो आप देखोगे यहाँ पे इसको लाइन को आगे बढ़ाओगे

लेकिन अगर तुमसे बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ फाइंड द सॉल्यूशन तो सॉल्यूशंस ये होंगे द ऑल द सॉल्यूशंस विल बी इक्वल्स टू दिस ठीक है समझ में आया यस सर ओके अब अगला पार्ट आया ये टेन थीटा इक्वल टू टू अब टेन थीटा इक्वल टू टू कैसे करें tan theta 2 अब 2 बताओ कोई बट 2 को हमें क्या लिखना पड़ेगा tan of some एंगल अल्फा लिखना पड़ेगा ना तो अल्फा एंगल क्या होगा तो जब कोई स्टैंडर्ड एंगल हो तो तो हमें यूज़ सीधा एंगल यूज़ जैसे पिछली बार हमने क्या कर लिया पाई बाय 6 पाई बाय 6 कर लिया ठीक है लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड एंगल नहीं है अगर स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो क्या करना होगा इन दैट केस हम सिंपल अल्फा को लिख देंगे क्या tan इनवर्स 2 ठीक है या तो हमें ऐसा एंगल दो जो हमें पता है जो न, अगर नहीं पता है तो हम ऐसे लिख के दे देंगे सिंपल सी बात ठीक है तो अब ये हो गया तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा और व्हाट इज अल्फा टेन इनवर्स टू तो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा एन पाई प्लस टेन इनवर्स टू टेन इनवर्स टू का मतलब ये नहीं है कि वन बाई टेन ठीक है ध्यान रखना अगर मैं बोला तो मतलब है कि अल्फा में अल्फा जो है, ten, ten है. अल, इसका मतलब होता है कि अल्फा एक ऐसा एंगल है बीटा विच इज इक्वस टू कॉस इनवर्स ऑफ थ्री बाय फोर कॉस इनवर्स थ्री बाय फोर तो इसका मतलब यह है कि बीटा इज एन एंगल हुई टू थ्री बाय फोर ओके यहां पे कोसाइन की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी थ्री बाय फोर होगी ओके तो बताओ इसका सॉल्यूशन क्या आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाय टू वॉट इज द सॉल्यूशन फॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाय टू

दिस इज द जनरल सोल्यूशन समझ में आया फिर देखो फोर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू थ्री सेक स्क्वायर थीटा उसका सॉल्यूशन क्या होगा फोर टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इसका सोल्यूशन कितना कैसे आएगा कैसे आएगा क्योंकि तो है नहीं तो उस फॉर्म में चेंज करेंगे कैसे करेंगे कई तरीके हैं देखो सब जगह से पहुंचोगे वहीं पे मेथड वन अब यहाँ पे क्या यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री ठीक है थोड़ा तो सा तो ट्रिग्नोमेट्री जो पड़ा था ना वो यूज होगा तो यहाँ पे फोर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वास टू थ्री सेक थीटा को लिख देंगे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो इससे हो जाएगा टेन स्क्वायर थ्री इज इक्व टू थ्री हो जाएगा एक ही हो गया मेथड ये इक्वेशन अब उस फॉर्म में आ गई ना थ्री को मैं क्या लिख सकता हूं रूट थ्री का स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर मतलब टेन ऑफ पाई बाय थ्री का स्क्वायर तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा थीटा इज इक्व टू तरीका नंबर दो देखो और दूसरा मैनिपुलेशन टेन स्क्वायर थीटा आप इसे ऐसे लिख दो ये हो थ्री बाई फोर दिस विल गिव यू व्हाट साइन स्क्वायर थीटा ठीक है ये क्या देगा आपको साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी

समझ में आया सब कुछ समझ में आया ये सर yes, yes, आज इलेवेंथ में कौन गायब है गायब है झांसी से अलका चलो तो ये हो गया अगला क्वेश्चन लेते हैं अच्छा इसी में देखो एक, एक दो और छोटे छोटे जो वैसे दिख नहीं रहे हैं लेकिन वैसे लिख सकते जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ भाई कॉस फोर थीटा इज इक्वल टू कॉस टू थीटा इसका सॉल्यूशन लिखना है अब कॉस फोर थीटा इज इक्वल टू कॉस टू थीटा अभी ये देखो इसे करने का एक तरीका क्या है मेथड वन इसको मैं कॉस थीटा इक्व टू कॉस अल्फा का फॉर्म ले लू

तो थीटा की वैल्यू आ जाती है एन पाई यहां पे देखेंगे तो सिक्स थीटा इज इक्व टू टू एन पाई तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी एन पाई बाय थ्री तो बताओ कितने सॉल्यूशन आए दो दिस एंगल थीटा इज आईर एन पाई और थीटा इज इक्वस टू एन पाई बाय थ्री एक तरीका ये था ठीक है दूसरा तरीका क्या हो सकता था दूसरा तरीका हो सकता था मैं कॉस फोर थीटा जो है ना कॉस फोर थीटा को टू कॉस स्क्वायर टू थीटा माइनस वन इज इक्व टू कॉस टू थीटा लिख दो देख रहे हो कॉस टू थीटा में क्या बन गई क्वाड्रेटिक बन गई है ना तो कॉस टू थीटा की क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं कॉस टू थीटा की क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा मैं कॉस टू थीटा को टी बोल देता हूँ तो टू स्क्वायर माइनस टी माइनस वन स्क्वायर माइनस टू टी प्लस तो टू टी माइनस वन इंटू टी प्लस इंटू टू टी प्लस टू कॉस टू थीटा इसकी वैल्यू जो आएंगी दो वैल्यूज आएंगी माइनस वन बाई टू ये वन तो कॉस टू थीटा तो टू थीटा इज इक्वस टू माइनस वन cos टू थीटा

Uh, कितना हो जाएगा टू एन पाई तो थीटा कितना हो जाएगा एन पाई अच्छा अब ध्यान देना कि जो एंगल्स ये आएंगे अब यहां पे क्या है कि जो एंगल्स इसमें से आएंगे वो एंगल्स इसमें कॉमन होंगे होंगे कि नहीं होंगे यहाँ पे सारे एंगल कैसे आएंगे आप जैसे देखो इसमें वैल्यू रखो जीरो पाई टू पाई ऐसे आएंगे यहां पे वैल्यू रखो तो यहां पे वैल्यू रखोगे तो बताओ क्या आएगा जीरो आएगा पाई बाई थ्री आएगा टू पाई बाई थ्री आएगा लेकिन थ्री रखोगे तो क्या आ जाएगा पाई तो ये पाई और ये पाई कॉमन आ रहा है ये जीरो और ये जीरो आ रहा है। मतलब जितने एंगल इसमें आ रहे हैं वो सारे सारे एंगल इसमें आ रहे हैं मतलब एन पाई बाय थ्री एन पाई बाय थ्री विल बी बीक्वल टू के पाई वेन एवर एन इज वॉट थ्री के जब जब एन थ्री के होगा तो ये आपका ये वाला एक्सप्रेशन के पाई की फॉर्म में चेंज हो जाएगा जो ये है तो इसका मतलब जितने भी एंगल्स यहाँ आ रहे हैं वही एंगल्स यहाँ पे भी आ रहे हैं तो अगर मैं दोनों को मिला के लिखना चाहूँ तो मोस्ट जनरल सोल्यूशन वाला ए इज इन बी ना तो ए एज सबसे यूनियन बी तो ए बी यूनियन इज वॉट बी इफ एज सबसेट ऑफ बी तो इस कारण से थीटा इज टू पाई थ्री टाइजियंट सोल्यूशन लेकिन ये क्या है कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा हर जगह ऐसा नहीं हो पाएगा

तो मतलब या तो साइन थ्री थीटा जीरो होगा या फिर साइन थीटा जीरो होगा तो इससे साइन थीटा जीरो कब होता है जब वो एन पाई होता है तो थीटा शुड बी एन पाई तो इससे थीटा कितना आ रहा है एन पाई बाय थ्री और यहां से थीटा कितना आ रहा है एन पाई देखो हर केस में आंसर वही आ रहा है कहीं भी कोई डिफरेंस कैसे भी करो आप तो मैनुपलेशन के तरीके कौन सा ऑन द स्पॉट आपको कैसे सोचता है मेन एम वही है कि हमें उस फॉर्म में ले जाना है जिस फॉर्म में हमें चाहिए समझ में नोट कर लो से, फिर आगे बात करते हैं अब देखो क्वेश्चंस की प्रोफाइल जो है क्वेश्चन की प्रोफाइल इसी पे बिल्ट होती है कि कैसे हम उसे उस फॉर्म में ला रहे हैं ठीक है हाउ वी आर ब्रिंगिंग दैट इन द रिक्वायर्ड फॉर्म ठीक है तो वो फॉर्म में लाने के तरीके पे ही सारा का सारा खेल है जैसे अभी तक तो डायरेक्टली हो रहा था सिंपल मेनुपलेशन से ही हो रहा था ठीक है चलो अभी पहले काम करते जो क्वेश्चन अभी कराया उसी तरह के एक दो क्वेश्चन और दे रहा हूं आप मुझे उसके आंसर निकाल के बताओ ठीक है साइन थ्री थीटा टाइम इज इक्वस टू साइन फाइव थीटा टाइम टेन एम थ्रीटा इज इक्व टू टेन एन थ्री ये दो क्वेश्चन हैं दोनों का मुझे आंसर निकाल के बताओ क्या आंसर आएगा चलिए देखिए पहले वाले क्वेश्चन में तो आप सिंपल क्या लिख सकते थे फाइव थीटा इज इक्वस टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इन टू थ्री थीटा थीटा के लिए सॉल्व करना है तो अब ये ये जो है बिहेवियर इसका होता माइनस वन की पावर एन का वो डिपेंड करता है कि एन इवन है या ऑड है तो पहला केस लेते हैं कि एन इवन है एन तो को बोल देते हैं टू के तो फाइव थीटा इज टू टू के पाई प्लस थ्री थीटा तो टू थीटा इज इक्व टू के पाई टू के पाई तो थीटा थ्रीटाइस टू के पाई एक सॉल्यूशन ये आ गया दूसरा सॉल्यूशन यहां देखो क्या हो जाएगा कि एन को ऑड ले लें लें ले मतलब N को क्या ले ले? N को ले तो फाइव थ्रीटा इज इक्वस टू टू के प्लस वन पाई माइनस थ्री थीटा हो जाएगा तो so, थीटा जो आएगा वो टू के प्लस वन पाई बाय एट ये आ जाएगा तो दो सॉल्यूशन आ रहे हैं एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है बताओ सही आ रहा है सर सर सही या इसे करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता था ये आप ये करते थी साइन तो सी माइनस साइन डी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू जीरो। तो या तो फोर थीटा जीरो होगा या फिर साइन थीटा जीरो होगा जीरो होता है, और दो सॉल्यूशन आपके यहाँ पे आ रहे हैं अच्छा ध्यान दो यहाँ पे ये दोनों मर्ज नहीं होंगे क्यों क्योंकि ये पाई का मल्टीपल कब बनेगा जब टू के प्लस वन क्या बन जाए एट। लेकिन टू के प्लस वन तो ऑड है तो वो एट कभी नहीं बनने वाला इस कांड से पिछले वाले में जो हो रहा था तो पिछला वाला जो हो रहा था वो उसमें नहीं हो पाएगा ठीक है समझ में वाला क्वेश्चन सबको बाकी बच्चे सौम्य बेटा तो तू तो कुछ बोलती ही नहीं है चुपचाप बैठी रहती है तो कान तरस जाते हैं तेरी आवाज सुनने को और समर्थ बाबू तुम भी बड़े बगल बुद्ध गौतम बुद्ध की तरह बैठे रहते हो समझ में आया सबको सर चलो अब इस वाले क्वेश्चन को करने का एक तरीका क्या है कि एम थीटा इज इक्वस टू एन पाई अब एन यहाँ यूज हो रहा है तो देखो यहाँ पे हर जगह एन यूज करना जरूरी नहीं ये पाई यूज करो क्योंकि एन यहाँ ऑलरेडी हो रहा है के पाई प्लस एन थीटा ये आएगा तो मतलब एम माइनस एन टाइम्स थीटा इज इक्वल टू के पाई तो इससे थीटा की वैल्यू जो जाएगी के पाई अपॉन एम माइनस एन अब ये क्वेश्चन एक बार जे ने पूछ लिया था सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर एन एपी जीपी एचपी बताओ क्या होगा क्या आएगा जीपी जीपी ये जीपी नहीं आएगा बेटा ये एपी तो आएगा हाँ से एप एंगल वैल्यू तो रख के देखो हाँ आया वैल्यू रखोगे तो एक एंगल आएगा जीरो एक एंगल आएगा पाई अपॉन एम माइनस एन दूसरा आएगा टू पाई अपॉन एम माइनस एन तो ये सारे एंगल्स किस में है एपी में है समझ आया नहीं तो दूसरा तरीका इसका और था साइन एम थीटा अपॉन कॉस एम थीटा इज इक्वल टू साइन एन थीटा अपॉन कॉस एन थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो साइन एम थीटा कॉस एन थीटा माइनस ऑफ़ ये हो रहा है मतलब एम माइनस एन इंटू थीटा क्या होना चाहिए के पाई तो थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा के पाई अपॉन एम माइनस एन क्लियर है सबको ये यस यस आगे बढ़ते क्वेश्चन चलो अब क्या होता है कि अब जैसे अभी हम लोग सिंपल फॉर्मूले लगा रहे हैं ऐसी और आ जाता है बाय फैक्ट्राइजिंग अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे फैक्ट्राइजेशन की जरूरत पड़ती है ठीक है फेट बाय फैक्टराइजिंग कैसे करेंगे जैसे क्वेश्चन लेते हैं टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू वन प्लस कॉस एक्स इज इक्व टू साइन एक्स। ठीक है ये इक्वेशन है अब इस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना है तो यहां अब क्या हो गया अब हमें डायरेक्टली वैसे ही नहीं रहा कि बाई टू कॉस बाई टू तो वैसे फैक्टर्स हमें निकालने पड़ेंगे तो कैसे करें वो फैक्टर कैसे निकालें भाई ठीक है वो फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखो टू मल्टीप्लाई एक तरीका है कि मल्टीप्लाई कर दो टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस्क्र एक्स तो ये साइन स्क्वायर एक्स को तो लिया तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो तो बताओ माइनस कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा वन तो क्या बचा टू साइन एक्स माइनस वन ये टू साइन एक्स और यहां से माइनस वन प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स क्वा जीरो तो हो गया टू साइन एक्स माइनस वन प्लस यहां पे निकाल लो कॉस एक्स तो ये क्या हो जाएगा टू साइन एक्स माइनस वन वन प्लस कॉस एक्स देख लो अब दो फैक्टर आ गए तो मतलब या तो कॉस एक्स की वैल्यू माइनस वन होगी या साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी वन बाय टू तो बताओ इससे एक्स कितना हो गया इससे जनरल सॉल्यूशन बताया था ना किस इक्व माइनस वन का जनरल सॉल्यूशन कब होता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू पे तो ये आपका टू एन प्लस वन पाई बाई सी पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल जीरो कितना हो गया साइन पाई बाई सिक्स

लेट्स टेक अनदर वन अनदर क्वेश्चन आओ क्वेश्चन क्वेश्चन कहा गया ये क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स Into cos cube x is equals to टू by बाई इसमें क्या करें? सब जगह से क्या कॉमन आ रहा है माइनस साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन ले लो तो बचेगा क्या कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वास यहां टू मल्टीप्लाई कर दो यहां टू मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस साइन टू एक्स और ये क्या हो गया कॉस टू एक्स ये वन बाई टू यहाँ टू और यहाँ टू ये प्लस का यहाँ कर दो माइनस तो बताओ ये क्या बन गया साइन फोर एक्स इज इक्वस टू माइनस वन अब साइन माइनस वन कहाँ होता है टू एन पाई माइनस पाई बाई टू पे तो फोर एक्स शुड बी इक्व टू टू एन पाई